चुके हैं। इसके अलावा श्री जयप्रकाश जी उर्फ बंसी, एक समाज सेवी, वे भी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पाई की पावन धरा पर आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति के पश्चात मैं आपके सामने हरियाणी संस्कृति से हटकर आपको पंजाब की तरफ लिए चलता हूं, क्योंकि 1 नवंबर 1967 से पहले हम पंजाब का हिस्सा थे, तो पंजाब भी हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। तो आपके सामने प्रस्तुत है एक पंजाबी सॉन्ग डांस, हुल्ले हुलारे, कक्षा 9 से गुड़िया कोमल व हिमानी। तो जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए।
हमारे मध्य आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि संदीप राणा जी आर्य बिल्डर्स छोटी पंथरी वाले हैं, वे साथ ही श्री रणबीर जी सैदपुर जो कि दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए 200 रुपए प्रोत्साहन रूप इनको दे रहे हैं, आपको बड़ा धन्यवाद। इसके साथ साथ आज का यह कार्यक्रम बाबा रामदास सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाई का वार्षिक उत्सव बाबा की पावन धरा पर मनाया जा रहा है। आप सभी मेहमानों का मैं स्कूल सोसाइटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही एक और आपको बात बताना चाहूंगा कि आज स्कूल की 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो यह भी इस गांव के लिए गौरव का विषय है कि बाबा रामदास स्कूल संस्था ने लगातार 20 वर्ष यहां पर पूरे किए हैं और लगातार हम अपनी उन्नति की तरफ अग्रसर हैं। इस कार्यक्रम के पश्चात आपके सामने हमारा पड़ोसी राज्य दिल्ली, तो चलिए आपको दिल्ली ले चलते हैं। छोटी छोटी गुड़ियाओं का एक डांस, दिल्ली से हरियाणा की बात हो जाए, पंजाब की हो जाए, और यदि दिल्ली की ना हो तो वह बात अधूरी रहती है। तो आपके सामने प्रस्तुत है ग्रुप डांस दिल्ली शहर में बिके चुनरिया।
गुरु प्रधान श्री जैक्सन जी गांव पाई से भी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। इनके साथ साथ अन्य आए हुए अतिथिगणों का सभी का मैं तहे दिल से स्कूल की तरफ से स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। वंदना मनोरंजक एवं हास्य नाटक, हरियाणवी ग्रुप डांस और कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में यदि हमारे भारतवर्ष का जिक्र ना हो तो वह कार्यक्रम अधूरा रहता है। तो उससे भी संबंधित देशभक्ति से ओतप्रोत एक कार्यक्रम जो हम सभी को दिल से हिलाकर रख देगा, एक देशभक्ति की भावना हम में भी फिर से जागृत होगी। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संजीत राणा जी, आर्य बिल्डर छोटी अतिशीघ्र हमारे मध्य पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा और जो गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, मैं उन सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही एक कवि की कुछ पंक्तियां हैं कि अकेला व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। कोई बहाना बनाता है कि अकेला ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, लेकिन एक कवि की रचना देखिए, उसने एग्जाम्पल देकर हमारे को बताया यदि सच्ची लगन और मेहनत हो तो एक व्यक्ति भी शिखर को छू सकता है। तो इस कविता के बोल इस प्रकार से हैं, यह मत कहो कि जग में कर सकता है क्या अकेला, लाखों में काम करता है सुरमा अकेला, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, पर अंधकार हरता है चंद्रमा अकेला, लाखों जंतुओं पर बिठला के धाक अपनी, आजाद शेरवन में घूमता है अकेला, होते हैं ओखली में अनगिनत दान के कण, लेकिन सभी को मुसल दल डालता है अकेला, लोहे की पटरियों पर होते अनेक डिब्बे लेकिन सभी को खींचता है इंजन अकेला, असुरों का मद मिटाकर लंकापुर चलाकर हनुमान रामदल में फिर आ गया अकेला, शाहजा के दरबार में था एक ही अमर सिंह बल अपनी भुजाओं का दिखला गया अकेला, जापान में सजा कर आजाद हिंद सेना जोर सुभाष नेता दिखला गया अकेला, था कुल जगत विरोधी तीस पर ऋषि दयानंद वैदिक धर्म के झंडे फहरा गया अकेला, आगे से तुम भी से सुन लो ये फिर कभी ना कहना कि कर सकता है क्या जग में कोई अकेला। तो अकेला व्यक्ति हर काम को कर सकता है यदि उसके मन में दृढ़ इच्छा और अतम विश्वास हो। इसके पश्चात आपके सामने प्रस्तुत है कविता एक शहीद परिवार की दिशा, कि किसी का बेटा सीमा पर शहीद हो जाता है और उसके घर में किस प्रकार का माहौल होता है, तो उसी हालात को दर्शाते हुए कुमार हनी कक्षा फोर से एक शहीद परिवार की दशा। हनी कक्षा फोर से आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप कर्तव्य धामियों में कोताही ना बरतें। एक मिनट में इस कविता के पश्चात आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, तो इस कविता के प्रस्तुति के लिए कुमार हनी चलो
एक शहीद का परिवार दुखी मन से किस प्रकार विदाई देता है, तो मैं आप सभी को फिर से रिमाइंड करवाना चाहूंगा। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री संजीव राणा जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं, तो मैं साथी स्टाफ मेंबर से अनुरोध करता हूं कि सर आप उनको मंच तक एक साथ सम्मान के साथ लेकर आए। इसके अलावा हमारे मध्य श्री रमेश अंदर जी, श्री जयप्रकाश जी, डॉक्टर बलजीत कौशिक जी, श्री तिलकराज जी, डॉक्टर राजेश भारद्वाज जी, श्री आर एस राणा जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो हमारे मध्य श्री संजीव राणा जी पहुंच चुके हैं। आप सभी बच्चों के लिए कोई आपका एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता होती ही नहीं, तो जोरदार तालियों के साथ आप हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। प्रधान श्री किदोली जी से डॉक्टर राजेश भारद्वाज, श्री बलजीत जी, आर एस राणा जी एक साथ स्वागत करते हुए मैं हमारे मुख्य अतिथि जी के पहुंचने पर कि उन्होंने इस बाबा रामदास पावन धरा पर हमारा निमंत्रण सहज स्वीकार किया और जो समय उनको दिया गया था उस समय पर ही यहां पर पहुंचे, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा। साथ ही मैं बहादुरगढ़ से सर आपका भी बाबा रामदास स्कूल सोसाइटी की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है सर। पाई गांव की डोली पहलादपुर चोटी, यहां से जो प्रधान आए हुए हैं सभी का मेरे को नाम पता नहीं, तो आप सभी से अनुरोध है कि सर आप आए तो उसका तो मेरे को नाम ध्यान है। जैसे गांव की डोली से श्री सुनील कुमार जी पूर्व प्रधान जी बैठे हैं, तो सर आप आते रहे लगातार, सर आपसे अनुरोध है कि आप आइए और इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। इसके अलावा सर, सर हाँ जी सामने देखिए, संजीत राणा जी को आर्य बिल्डर छोटी से सर आप भी आए और आप बच्चों से मेरा अनुरोध है बेटा प्लीज, और पानियों की आवाज है वो फिर से धीमी हो गई है, तो आप इसको इसकी वॉल्यूम को जरा बढ़ा दें। साथ ही मैं हमारे प्रधानाचार्य जी मास्टर तिलकराज जी और जो गणमान्य व्यक्ति हैं श्री संजीत राणा जी, कोई भी कार्यक्रम हुआ उससे पहले हमारी आन बान और जान तिरंगे का लहराना कंपल्सरी हमें तिरंगा की जरूरी है, तो मैं अपने मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगा सर आप ध्वजारोहण करें, साथ ही म्यूजिक वाले ध्यान रहे, ध्वजारोहण होते ही राष्ट्रीय गान के लिए आप सभी खड़े हो जाए बेटा, जैसे ही ध्वजारोहण होगा एक साथ मिलकर आपको सावधान की स्थिति में खड़ा हो जाना है एक बार। तो नायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल।
पत्थरों की तरह हिंदुस्तान हमारे जिस्म में है। इसके साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे कोषाध्यक्ष को श्री कृष्ण जी को कि सर आप एक बार मंच पे आए और हमारे मध्य मैनेजिंग डायरेक्टर हेडमास्टर श्री अनूप निकेतन हाई स्कूल गढ़ी से पहुंच चुके हैं, उनका भी बाबा रामदास पावन धरा पर हार्दिक स्वागत है और मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि सर आप एक बार मंच पे आ जाएं। श्री राजेश राणा जी हेडमास्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अनूप निकेतन हाई स्कूल गढ़ी कुंडल। इसके अलावा श्री बलवान जी जो कि इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, सर आप भी मंच पे आए क्योंकि किसी भी राष्ट्र का निर्माण करने में भावी अध्यापकों का बड़ा रोल होता है, तो हम सभी उनके सामने नमन हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को इतना मजबूत बनाया कि आज हम सब आजाद हैं। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगा श्री जगराज जी को क्योंकि बाबा रामदास जी केवल एक नाम नहीं बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जिन्होंने सच्चे मन से इनका सुमरण किया है, याद किया है, हर पल हर दशा में उसके साथ रहे हैं। इसके साथ ही भी किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ के समय यदि सरस्वती को याद ना किया जाए तो वो भी अधूरा लगता है, तो मैं बुलाना चाहूंगा मास्टर तिलकराज जी को कि सर आप आए और सरस्वती के सामने जोत प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें। मास्टर श्री तिलकराज जी जा चुके हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे मध्य उपस्थित हैं श्री जगफूल जी, एक नेक और सच्चे और एक मैं और आपको अद्भुत तथ्य बताना चाहूंगा, ये गांव छोटी से बिलोंग करते हैं लेकिन शायद बाबा जी में इनकी अपार श्रद्धा और विश्वास है, तो मैं बुलाना चाहूंगा श्री जगफूल जी को कि सर आप आए और सरस्वती जी के सामने जोर प्रज्वलित करते हुए प्रधानाचार्य जी व श्री जगफूल जी रेडी हो जाएं क्योंकि आपके सामने अपनी प्रेयर के साथ तू ही है शारदे माता, तो कृपया वो बच्चे मंच पे आ जाएं और हमारे जो म्यूजिशियन है दे शुड बी रेडी बिफोर द अनाउंसिंग।